कि भाई कंपलसरी सब पेपर आपका ओके होना चाहिए, तब जाके ओला उबर में भी आईडी अटैच हो रहा है। टोटल 400 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था भाई। और 70 किलोमीटर का मुझे गैस और एक घंटा वहां पे होल्ड था, मतलब तो हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज कुछ ज्यादा ही लेट निकला हूँ, क्योंकि कल भी भाई साहब इतना लेट हो गया था कि भाई फास्ट था, और भाई घर पे पहुँचते पहुँचते 2 बज गए घर पे। फिर पहुँचने के बाद हाथ पैर धो के भाई मतलब खाना भी ना खा के सोने का जो टाइम मुझे लग गया भाई 3:15 बज गए। और भाई उसके बाद मैं वापस 1.5-2 घंटे बाद वापस 6:30 बजे उठा, बाद में गाइस वापस मैं सो गया। भाई इतना नींद आ रहा था कि 2-3 दिन से नींद कम्प्लीट नहीं हो रहा था। तो भाई सुबह 9:30-11 बजे तक भाई फिर पूरा नींद कम्प्लीट किया। तो बोला अभी दोपहर को खाना भी ना खा के ही निकलते, फिर खाना खाने के बाद वापस सो गया। और बाद में उठा तो गाइस एक बाद में अभी उठा, मैंने बोला चलो अभी निकलते। और अब घड़ी में देख सकते हो 6:45 बज रहे। तो भाई 6:45 बजे मतलब शाम के 6:45 बजे हमने ऐप को ऑन किया। और मेरे बता दूँ मेरा उबेर का जो ऐप है वो चालू हो गया, बट भाई ओला का नहीं हो रहा है, मतलब उसका कुछ तो ऑथोराइजेशन बाकी है। तो एक बात बता दूँ भाई, जो भी नया आईडी बना रहा है जिस भी गाड़ी के मतलब नया गाड़ी के ऊपर अटैच कर रहा है, तो भाई ये ध्यान में समझ लो कि भाई कंपलसरी सब पेपर आपका ओके होना चाहिए, तब जाके ओला उबेर में भी आईडी अटैच हो रहा है। ठीक है, एक भी पेपर अगर नहीं होगा तो आपका आईडी नहीं बनेगा। तो मेरा कुछ तो इसका ऑथराइजेशन कुछ तो बाकी है, तो उसका ऑथराइजेशन जब सबमिट करेंगे तब जाके ये मेरा ओला में आईडी अटैच होगा। फिलहाल अभी उबेर में तो हो गया, तो उबेर को तो मैंने चालू करके रख दिया भाई। उबेर का लगभग 5 बजे मैं यहाँ पे आया, गाड़ी को पूरा अंदर से बाहर से क्लीन कर दिया, और तब से लेके अभी तक ऐप ऑन ही है मेरा, बट बुकिंग कोई अभी तक आया नहीं। तो देखते हैं थोड़ा 1:30-2 बजे तक काम करेंगे, क्योंकि सुबह तो उठना ही पड़ता है। सोचा रात को लेट नाइट तक काम करें, क्योंकि नींद कम्प्लीट हो गया, फिर जाके घर पे सुबह अपना जो काम उसके बाद में फिर बाद में आराम से कल दोपहर को निकलेंगे, ऐसा कुछ प्लान सोचा है। तो देखते हैं, ठीक है। तो अभी डीजल की बात करो तो डीजल वैसे का वैसे भी नहीं, अभी तक कुछ भी भरा नहीं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले टाइम देख लो गाइज, 5:54 हो रहा है। ये जो लाइट बता रहा है ना ब्लू कलर का, पता नहीं गाड़ी चालू करते तब ऑन होता है, बाद में 5-10 मिनट के बाद चला जाता है। तो भाई अपना जो किलोमीटर हुआ है 652, अभी भी 2 पॉइंट दिखा रहा है, अभी पता नहीं इसमें कितना किलोमीटर चलेगा हमको। ठीक है, तो लगभग मेरे ख्याल से जो गाड़ी अभी तक चला है वो मेरे ख्याल से 318 किलोमीटर गाड़ी कुछ तो मेरे हिसाब से चला गया। ठीक है, तो मुझे लगता है 400 किलोमीटर तो गाड़ी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक भाई का कमेंट था कि भाई सचिन भाई फुल टैंक करके चलाओ, तो देखेंगे फुल टैंक करके भी चलाएंगे। ठीक है भाई, फुल टैंक का मुझे लगता है लगभग 45 लीटर का टाकी है। भाई हमारा डीजल भी भाई उतना ही जाएगा, मतलब लगभग 4200 मतलब 4200 के लगभग मुझे लगता है डीजल चला जाएगा। फुल टाकी करूँगा तो, लेकिन करूँगा 1-2 दिन में या फिर 2-4 दिन के बाद करूँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखते हैं आज का इस पे डीजल पे कितना हमारा अर्निंग होता है, कितना किलोमीटर होता है, वो भी सबको वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है मतलब डीजल गाड़ी का चाहिए, ये तो मेरी आरटी के मतलब काफ़ी लोग, एक भाई का कमेंट है सचिन भाई डीजल गाड़ी में काफ़ी आराम होता है, मतलब सीएनजी का तो टेंशन होता ही नहीं, आप कहीं पर भी चले जाओ, ये बात तो सही है। और उसने भाई ने ये भी कहा कि डीजल और सीएनजी में सचिन भाई कुछ भी आने वाले समय में फ़र्क नहीं होने वाला, उल्टा डीजल का रेट कम होगा बट सीएनजी का भाई आने वाले साल में भी भाई बढ़ता जाएगा। ये बात भी सही है, क्योंकि मैंने खुद देखा पिछले 5-6 महीने में लगभग 30-40 रुपया सीएनजी का भाव बढ़ा है, 30-40 रुपया। ठीक है, डीजल है उतने में ही, उल्टा डीजल कम हो रहा है बट कम सीएनजी का भाव बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई के हिसाब से तो भी सचिन उन्होंने उनको भी काफ़ी अच्छा लगा कि सचिन में आप डीजल गाड़ी लिए, मतलब बहुत सारा है कि भाई सबसे बड़ा तो सीएनजी का तकलीफ कि भाई हर बार देखना पड़ता है सीएनजी का, और फिर बाद में कभी कभी तो धाकधुक हो जाता है, कहीं अगर सीएनजी खत्म हो गया और उस समय पेट्रोल भी गाड़ी में नहीं तो भाई धाकधुक होता है कि भाई सीएनजी पंप मिलेगा नहीं मिलेगा। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि मुझे पता भी, समझो ये वाला सीएनजी पंप चालू है और वहाँ पर भाई सब गया तो सीएनजी पंप बंद, या तो फिर वहाँ पर लाइट नहीं या तो फिर जल्दी बंद हो गया, जो भी एक्सपोजर, बट ऐसा कितनी बार हो चुका है। तो सबसे धाकधुक जो होता है सीएनजी का ही होता है। ठीक है, तो डीजल का तो टेंशन है, मुझे लगा 1 पॉइंट आ गया तो मुझे भरना ही भर रहा है, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि भाई मैं पेट्रोल के ऊपर चला सकूं। ठीक है, सीएनजी में हम लोग यही सोच के चलते कि भाई चलो थोड़ा बहुत पेट्रोल उसमें चल जाएगा गाड़ी 10-20 किलोमीटर, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमको डीजल भरना ही भरना है। तो आप देखते हैं इसमें
कितना हो रहा है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको मैंने दिखाया था 2 पॉइंट सीएन डीजल, बट कभी कभी 3 पॉइंट हो जाता है। अभी आपको दिखाता हूँ सामने आपके, एक सेकंड पहले दिखाया था यहाँ पे 2 पॉइंट था, अभी वापस 3 पॉइंट हो गया। पता नहीं मतलब ऐसा सीन क्यों हो रहा है, कभी कभी 3 का 4 हो जाता है। कल भी मेरा जब 4 वाला 3 पॉइंट पे आया था, वापस छोड़ देगा 4 पे आया था। तो ये सिस्टम मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं हमें कि हमारा तो फायदा ही है, मतलब डीजल काफी का अच्छा इसमें रिजो में भी है मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं आज का कितना हमारा अर्निंग होता है, कितना किलोमीटर गाड़ी चलता है। कल भी अच्छा खासा अर्निंग हो गया, तो आज का भी हम आपको अर्निंग बताएंगे। तो बने रहना वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को फुल सपोर्ट करना, जल्दी से भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, बहुत बड़ा टारगेट है भाई। लेकिन 1 से लेके 10 हज़ार तक पहुंचे, 10 से 12 हज़ार तक पहुंच रहे, तो भाई 12 हज़ार से 1 लाख भी पहुंचने को, 1 मिलियन नहीं सॉरी 1 लाख, सॉरी 1 लाख तक पहुंचने को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो तो जाएगा, मेहनत कर रहे हो जाएगा। बस आप लोगों को ऐसी सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। चलो करते आज के दिन की शुरुआत, देखते हैं किधर किधर जाते हैं, कितना अर्निंग होता है। तो हे गाइस, भैया आज का अपना पहला ट्रिप के पैसेंजर को यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है, मतलब अभी तक मेरा ट्रिप कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। और मैं अभी आया हूँ T2 पे भाई, पहले T2 का नज़ारा देख लो। और यहाँ पे घड़ी भी है शायद ऊपर, अच्छा पीछे के 4 नंबर पे शायद घड़ी है। तो मेरे घड़ी में बज रहे 9:15। पहले यहाँ से नीचे उतरने का, तो गाइस ये जो ट्रिप था मेरा, ये मैंने मुमरा से पिकअप किया था और यहाँ पे अभी T2 पे मैंने इनको ड्रॉप कर दिया वापस। गाइस मुझे इनको वापस मुमरा लेके जाना, मतलब ये जो मेरा ट्रिप था ये मेरा रिटर्न ट्रिप था मुमरा से एयरपोर्ट का। अभी यहाँ पे पैसेंजर ने 1 घंटा बोला, तो अभी यहाँ पे 9:16 हो रहे, मतलब 10:15 तक पैसेंजर वापस मुझे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे भैया अभी ऊपर तो रुकने का जगह है नहीं, तो हम जा रहे हैं अभी नीचे। तो अच्छा ट्रिप मिला, क्योंकि भाई उबेर मैंने चालू करके रखा था भाई, उबेर से क्या पता नहीं मतलब बुकिंग इतना आ ही नहीं रहा, तो मैंने बोला चलो प्राइम चालू करते हैं। तो भाई प्राइम में भी बुकिंग, मतलब आज का कुछ ज़्यादा ही उबेर ठंडा था भाई साहब। और ओला का तो मेरा आईडी चालू हो नहीं रहा, पता नहीं भाई साहब क्या सीन है। तो ये अच्छा हुआ मुझे रिटर्न ट्रिप मुझे मिला है मुमरा टू एयरपोर्ट, क्या है उसका कितना पैसा मुझे मिला वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से पहले उतरते हैं नीचे भाई, अपना जो पर्सनल कांटेक्ट मतलब जो ग्रुप के भाड़े है, जो ग्रुप के ट्रिप्स है वो मिल रहा है, इसके लिए फॉरवर्ड रहा है। और रही बात मेरी डीजल की, तो भाई अभी एयरपोर्ट के यहाँ पे साकेनाका पे जैसे मैं आया, तब जाके भाई मेरा जो सेकेंड पॉइंट था डीजल का वो भाई उतर गया। तो अभी 1 पॉइंट बचा है, तो 1 पॉइंट पे कितना डीजल जाता है ये मुझे आइडिया है ही नहीं, फिर भी हम ट्राई करेंगे। मेरे इसमें अभी मतलब 699 हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर और 34 किलोमीटर गाड़ी चलो तो भाई टोटल जो हमारा अर्निंग अपना किलोमीटर है वो लगभग 400 किलोमीटर गाड़ी टच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ब्लिंक करेगा तभी जाके कहीं ना कहीं, तो डीजल तो कहीं पे भी मिल जाएगा, डीजल का कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पेट्रोल पंप पे जाओ चले जाओ डीजल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जरा देखते, यहीं पे गाड़ी लोग रुकाते, ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहाँ पे एक तो यार गाड़ी रुकाने देते है नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। देखो यार यहाँ पे पार्किंग को जगह मिली है, देखते हैं अभी कब तक ये सिक्योरिटी वाले नहीं आते, तब तक जैसे लाएंगे तो भाई हमको निकलना पड़ेगा। अब क्या ज़्यादा दूर भी जा नहीं सकते, क्योंकि वापस एयरपोर्ट पे ही जाना है, ऊपर ही जाना है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे तो रुका के रखे है गाड़ी, थोड़ा अंदर दबाते हैं। पार्क करके रखते हैं भाई साहब। तो गाइस चलो आपको मैं किलोमीटर दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो भाई, अभी भी 1 पॉइंट बचा है मेरा डीजल, और किलोमीटर आप देख सकते हो 699 हुआ है, मतलब लगभग 334 को मैंने डीजल भरा था। तो अभी ये डीजल शायद मुझे लगता है कि लगभग 25 किलोमीटर तो चलना चाहिए, देखते हैं। मतलब जब भी मैंने ब्लिंक कर रहा था तब मैंने जाके डीजल भरा था 2000 का 21.5 लीटर। तो देखते हैं जब भी ब्लिंक करेगा तो कहीं ना कहीं तो यार वापस मुमरा ही जाना है। तो मुझे लगता है लगभग 33 किलोमीटर इधर से मुमरा, 32-33 किलोमीटर।
तो उसके पहले कुछ ना कुछ तो हमें ये देखिए वापस दो पॉइंट यहाँ पे डीजल आ गया भाई, से भी जादू है इसके अंदर, पता नहीं चल रहा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है भाई, इसको बंद करते हैं गाड़ी को, उतना ही हमारा डीजल बच जाएगा। अभी जब तक यहाँ पे रुकने मिल रहा है तब तक रुकते, क्योंकि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी वाले तो खड़े रहने देते ही नहीं, तो गाड़ियाँ तो काफ़ी यहाँ पे रुकी है, तो रुकते हैं वापस एक घंटे बाद वापस जाना है उनको पिकअप करके ड्रॉप करना है, उसके बाद में देखेंगे कोई और ट्रिप मिल रहा है तो भी बताएंगे। उबेर का अभी भी मेरा यहाँ पे चालू है, मतलब मैं जब से घर से लेके चालू करके रखो तब से चालू, तो बुकिंग आ नहीं रहे, मतलब बोलो अभी क्या सीन है इसका उबेर का। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पे। ज़्यादा ध्यान तो भाई वो उनका ये भाई कहीं आके फोटो नहीं निकल रहे पीछे से। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर। फाइनली हम पहुंच गए मुंब्रा, जहाँ से पैसेंजर को पिकअप किया था, दोस्ती के बाजू में, यही भी बाजू में था, पैसेंजर को पिकअप किया था और यही से ड्रॉप कर दिया भाई। और भाई साहब मजे की बात देख सकते हो, अपना मुंब्रा मतलब जहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया भाई साहब, वहाँ पे अपने टोटल 400 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था भाई कि 400 किलोमीटर अपना गाड़ी चलेगा 21 लीटर के डीजल में। भाई टाइम भी देख सकते हो, 11:30 हो रहे और टोटल अपना हुआ है 157734, मतलब बरोबर गाइज अपना टोटल 400 किलोमीटर हुआ है। और भाई अगर 400 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम हमारा माइलेज निकालेंगे तो गाइज अपना गाड़ी जो माइलेज दे रहा है वो 400 किलोमीटर डिवाइड बाय 21 लीटर, मतलब 21.5 का मैंने 21 पकड़ा, तो भाई जो हमारा माइलेज निकला है गाड़ी का 19 का माइलेज निकला है। बट मुझे तो पता नहीं 19 का कैसे निकला भाई, मैं तो 17 और 18 का एक्सेप्ट कर रहा था कि भाई 17-18 पकड़ लेगा, मतलब उतना तो आएगा मिनिमम। और जिस दिन मैंने डीजल भरा था मैंने आपको बताया कि भाई जो मेरा लास्ट वाला पॉइंट ब्लिंक कर रहा था, अब इसमें कितना डीजल होता है मुझे उतना नहीं पता, क्योंकि सीएनजी का मुझे पता है लास्ट पॉइंट अगर सीएनजी का एक पॉइंट भी होगा तो भाई 25 किलोमीटर तो गाड़ी जाती है, 24-25 किलोमीटर मैंने बहुत बार वो चीज़ नोट किया। ठीक है, तो अभी इसमें रिजो अगर गाड़ी होगा तो लगभग 10 से मिनिमम 10 लीटर तो डीजल जाती है जितना तक कि मुझे पता है। तो अभी मैंने एयरपोर्ट के यहाँ पे कहीं भी डीजल नहीं भरा, मैं बोला चलो निकल जाते क्योंकि डीजल तो भाई कहीं पे भी मिल जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साकिना का हो या बाद में फिर एरुले के हो यहाँ पे हो या कहीं पे भी मिल जाएगा मुझे इतना पता था। मैं बोला चलो देखते हैं, अगर ब्लिंक करेगा तो 2-4 किलोमीटर तो गाड़ी चलेगा ही चलेगा। तो भाई अपना 400 किलोमीटर के हिसाब से भाई 19 का एवरेज दे रहे हैं भाई, मुझे तो थोड़ा अभी भी डाउट है बट एवरेज तो दिया भाई। और आपको विद प्रूफ के साथ में मैंने दिखाई ये सब चीज़ें, जो भी किलोमीटर जो भी टाइम जो भी डीजल मैंने भरा था ये उसके बाद, मतलब जो दो तीन दिन पहले मैंने डीजल भरा था उसके बाद में 1 रुपये का भी मैंने डीजल नहीं भरा भाई। ये फ़ायदा होता है अगर गाइस ये मैं पैसेंजर को लेके जाता था ना भाई, अभी कहीं ना कहीं तो भाई सीएनजी 2-3 पॉइंट पे आ जाता था। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है, मतलब मुझे लगता है कि भाई जो 3 दिन में मैं सीएनजी पैसा डालता था उससे कम पैसे में मेरा डीजल यूज हुआ, अर्निंग भी अच्छा हो गया। तो ये जो मैंने पैसेंजर था गाइस ये मुंब्रा मेरा रिटर्न का, मतलब 60 जब मैं यहाँ पे आया था मुंब्रा में तो 65 किलोमीटर मेरा था, मतलब 165 ऐसा कुछ था किलोमीटर हमारा हुआ 70 किलोमीटर, मतलब मुंब्रा से एयरपोर्ट 35 किलोमीटर है, तो आ जाके मतलब 70 किलोमीटर मेरा रन हुआ गाड़ी। और 70 किलोमीटर का मुझे गैस और 1 घंटा वहाँ पे होल्ड था, मतलब 9:20 को लगभग वहाँ पे 9:12-9:20 को वहाँ पे मैं टच हो गया था और 9:10-20 को मेरे को पैसेंजर वापस कॉल करके मिला, तो 1 घंटा होल्ड था वहाँ पे भाई। वैसे भी बुकिंग तो आ नहीं रहे, तो भाई वहाँ पे वैसे भी अगर ड्रॉप करने जाते तो वहीं पे 1-1 घंटा बैठ जाते, तो उससे अच्छा मैं बोला चलो रिटर्न का भाड़ा कोई टेंशन नहीं, तो रिटर्न का भाड़ा गाइस मैंने ले लिया और इसका मुझे मिला गाइस 2000 रुपीज़ इसका मुझे मिला, जो यहाँ पे पैसेंजर ने मुझे कैश कलेक्टेड, मतलब बोलते ना उबेर में ओला में कैश कलेक्टेड, तो भाई जितने भी पर्सन होते सब अपने कैश कलेक्टेड होते, उसमें कोई कमीशन नहीं होता है। ठीक है, तो भाई समझो 7:30 यहाँ पे मैं आया था, तो भाई 11:30 घड़ी के अंदर भाई ठीक है भाई बुकिंग है नहीं, तो 2000 रुपये हमको मिल गया 70 किलोमीटर के हिसाब से। अगर उबेर के या ओला के हिसाब से जाते तो भाई 20 किलोमीटर के हिसाब से हमें मिलता था उसका हमें 1400 रुपये। ठीक है, तो अभी श्योर नहीं भाई कंटिन्यू, मतलब इतना 3 घंटे बुकिंग मिल जाता था, तो 2000 रुपये की अर्निंग मेरी हो गई है। अभी यहाँ पे मैं लॉगिन करके देखता हूँ और मुझे भरना है डीजल भी, मतलब भाई दिल खुश हो गया भाई सच में। मतलब भाई सीएनजी के लिए इतना परेशान होता था भाई, मतलब जैसे ही गाड़ी चला तो भाई पहले सीएनजी पॉइंट, और सीएनजी उस गाड़ी का पता नहीं यार, मतलब मुझे
बहुत कम माइलेज दे रहा था वो गाड़ी का, पता नहीं मतलब उसी गाड़ी के साथ में। अगर भाई जो अगर मेरी वीडियो देखता है, अगर किसी के पास नहीं आर्टिका सीएनजी पेट्रोल सीएनजी, तो भाई आप मुझे मतलब बता दीजिए कि भाई क्या एवरेज देता है नया आर्टिका, क्योंकि भाई मेरी भी आने वाली, तो मुझे एक अंदाजा लग जाएगा। तो मैंने इस गाड़ी का जैसे कि अभी निकाला तो मुझे ये भाई मतलब 19 बता रहा है, बट समझ लो कहीं ना कहीं चलो 18, तो 18 का तो एवरेज भाई ये गाड़ी दे रहा है मुझे, 18 का एवरेज दे रहा है। अभी भी डीजल पड़ा है तो 21 किलोमीटर डिवाइड बाय मैंने 400 किया, तो 18 का एवरेज मुझे इस गाड़ी से दिया है। कभी कभी क्या होता है पैसेंजर एसी नहीं चलाता तो उसमें बिना एसी का भी एवरेज अच्छा मिलता है, इसके लिए मैंने 1 किलोमीटर कमी पकड़ा, एक का माइलेज मैंने कमी पकड़ा, मैंने राउंड फिगर मैंने इसलिए टोटल 18 किलोमीटर 18 का माइलेज गाड़ी का पकड़ा है। एक लीटर में भाई हमें ये गाड़ी 18 का एवरेज देता है। तो भाई जिस बाइक के पास भी अगर पेट्रोल सीएनजी आरटिका हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताने कि क्या माइलेज हमें देता है सीएनजी के अंदर। मैंने कभी उस गाड़ी में निकाला नहीं, हाँ इतना पता है कि अगर सीएनजी फुल भी कर लो तो भाई 150 तक ही जाता था, मतलब समझ लो 700 का अगर मैं, क्योंकि उसका कभी भी मतलब सीएनजी कभी 700 का बैठता था, कभी 750 का बैठता था, कभी 850 का बैठता था, तो 150 किलोमीटर जाता था, 140 किलोमीटर उसका गाड़ी एवरेज माइलेज जाता था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, शायद उसमें मैं गलत हो सकता हूँ, बट इसमें तो भाई श्योर है कि भाई इसमें 18 का एवरेज मुझे 18-19 का एवरेज इसमें दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे होल्ड करते देखते कोई बुकिंग मिलता है क्या डीजल का, तो डीजल का तो 2000 रुपया हमारा निकल गया, मतलब 3 दिन के बाद में, तो डीजल भरना है और देखते कोई बुकिंग मिलता है तो बुकिंग भी लेते हैं। तो हे गाइस, फाइनली आ गए हम घर पे। भाई रात ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर वापस नींद कंप्लीट होता नहीं। ये देखो 12:15 बज रहे और भाई मैं आ गया हूँ घर पे, और उसके बाद भी गाइस मैंने डीजल भरा नहीं, मतलब जब तक खींच रहे तब तक खींचते, क्योंकि भाई दीवा में डोंबिवली में तो भाई मतलब हर 2 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है, तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं। तो भी गाइस मेरा लगभग 12-13 किलोमीटर गाड़ी उस रन हुआ है, भाई अभी भी डीजल बाकी, मतलब मुझे लगता है रिजो के अंदर 10 लीटर तो मिनिमम डीजल होना रहता ही है, क्योंकि सीएनजी पंप पे सीएनजी पेट्रोल सीएनजी में 5-6 लीटर तो ऐसे ही पेट्रोल चार्ज आता है, तो मुझे लगता है कि भाई डीजल में भी 10 लीटर तो मिनिमम डीजल होता रहेगा। तो अभी कल भरा लेंगे सुबह, और कल सुबह जरा जल्दी भी निकलेंगे तो रात को जरा जल्दी जाके सो जाएंगे, क्योंकि सुबह मुझे उठना पड़ता है 5:30-6 बजे, फिर बाद में मैं कल सुबह जल्दी निकलूंगा और कल देखूंगा सुबह उबेर का बुकिंग लग रहा है कि नहीं। आज तो एक भी बुकिंग नहीं लगा, मतलब पता नहीं, वो तो चलो अच्छा हो गया ये रेंटल मुझे मिल गया, रेंटल नहीं रिटर्न ही भाड़ा था, तो मैं बोला चलो जाते हैं घर पे बैठ के क्या करेंगे करके, क्योंकि आज सुबह से मैं ओला और उबेर के ऐप के पीछे पड़ा था कि भाई चालू हो जाए एक बार करके, तो फाइनल उबेर का तो हो गया, ओला नहीं चालू हो रहा है, तो देखेंगे उसको भी चालू कर देंगे तो 1-2 दिन में। ठीक है, तो आज का अर्निंग बस 2000 रुपये, मतलब अच्छा लगता है। अभी कल एक बार भरूंगा, मतलब 3 दिन तक भाई कोई सीएनजी अपना कोई डीजल भरने की जरूरत नहीं, 3 दिन तक अर्निंग करने का, और 1 दिन का जो पैसा होता है उसमें डीजल में डाल देने, वो तो चलो आज अर्निंग कम हो गया, नहीं तो अगर 4,500 का अर्निंग करो तो भाई तो भी 1500 रुपये घर पर लेके आऊँ। ठीक है, तो आज का कुछ अर्निंग और आज का कुछ दिन ऐसे हो गया, मतलब शॉर्ट टाइम में अच्छा पैसा मुझे मिल गया। तो बस आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि भाई डीजल का माइलेज कैसे निकलता है और कितना डीजल का गाड़ी हमें माइलेज देता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सचिन भाई को फुल सपोर्ट करना, और इसी तरीके से आपका प्यार अपने पे देते रहना। तो चलो निकलते हैं घर पे, मिलते हैं कल एक नए वीडियो पे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक लगे बाय बाय।